हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग खेत आए हैं एंड जब खेत आते हैं देयर समथिंग दैट यू ऑल शुड ड्राइव एंड दैट इज अ ट्रैक्टर। सो आज हम लोग यही गाड़ी चलाएंगे। वी विल शो यू ऑल द फीचर्स ऑफ दिस कुबोटो MU5501 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर एंड इट्स ऑसम, यू विल लव इट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, मैं आपको एक जन से मिलवाना चाहता हूँ। ऐश्वर्य सिंह यादव 13 साल के फार्मर हैं। ही इज़ डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, वही ये पूरा ट्रैक्टर पूरी खेती देखते हैं। ही इज़ डूइंग अ रियली रियली गुड जॉब एंड कुछ चीज़ों में जहाँ पे मैं अटक जाऊँगा, जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता है ट्रैक्टर के बारे में, ही विल टेल यू। तो सबसे पहले तो आप इसका साइज देखिए, इट्स अ मॉन्स्टर। लाइक टायर्स देखिए, पूरा इसका प्रेजेंस देखिए, इट्स सो मच। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे देखिए, इसका हुड खोलना कितना आसान है। लाइक अपन को कार्स में इतनी मुश्किल से एक हाथ से उठाना पड़ता है, मेरे को हर वीडियो में है, इट्स सो इजी, सो मेनी फंक्शंस आर देयर। इंजन की बात की जाए, ये 2.5 लीटर का इंजन है, प्रोड्यूसर्स 55 हॉर्स पावर। बट यहाँ पे खेत में हॉर्स पावर काम नहीं आती है, यहाँ पे टॉर्क काम आता है, जो भी अपन देखेंगे। और इसको बंद करके यहाँ आते हैं। सो दिस इज़ अ फोर व्हील ड्राइव मॉडल। इसमें आपको दो मॉडल मिलते हैं, एक टू व्हील ड्राइव, ये है फोर व्हील ड्राइव। दिस इज डुअल क्लच शटल शिफ्ट, जो कि भाई अपन को समझाएगा क्या है। यू गेट पावर स्टेयरिंग ऑल्सो। ये इसका एग्जॉस्ट पाइप, जो कि अपन चालू करके देखते हैं, दैट लुक्स रियली गुड। एंड अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेकेंड यहाँ पे आपको मैनुअल क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। लाइक अगर आपको एक्सलेटर नहीं देना है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, एक तरह से एक्सलेटर ही हो गया आपका, जितने पे आप सेट कर दें। तो दैट हैज़ योर मैनुअल क्रूज कंट्रोल। ये है नीचे ब्रेक्स। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे एक कनेक्टर है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का ब्रेक है, ये राइट साइड का ब्रेक है। अगर कनेक्ट कर देंगे तो दोनों तरफ के साथ में लगेंगे, क्योंकि बहुत सी बार खेत में आपको खड़े खड़े पूरा ट्रैक्टर घुमाना पड़ता है। तो अगर जैसे अपन को ऐसा घुमाना है तो अपन लेफ्ट साइड का ब्रेक दबा के एक्सलेटर देंगे, तो वहीं का वहीं पूरा ट्रैक्टर घूम जाता है। फॉर दैट दिस फंक्शन इज देयर। ये आपका एक्सलेटर पैडल है, ये है आपका क्लच, एंड ये है आपका शिफ्टर फॉर टू व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव। अभी ये टू व्हील ड्राइव पे, ऊपर कर देंगे तो फोर व्हील ड्राइव है। दिस इज योर पार्किंग ब्रेक। सो इसको अप्लाई करके आप इसको ऊपर करेंगे तो ये आपका पार्किंग ब्रेक लग गया, जैसे अपन को एक्टिवा में लगाने को मिलता है, सेम लाइक दैट। ये है इसका इग्निशन स्विच, अभी अपन चालू करते हैं। यहाँ पे पूरे लाइट के कंट्रोल हैं। इस तरफ आएँ तो आपको पूरा गियर सिस्टम मिल जाता है, बट बिफोर वी सी दिस आप इस तरफ देखिए। तो ये है इसका सिलेक्टर, दिस इज़ लो, दिस इज़ हाई, दिस इज़ रिवर्स, दिस इज़ न्यूट्रल। अब इस गाड़ी में आपको आगे के लिए 8 गियर मिलते हैं एंड फॉर रिवर्स यू गेट 4 गियर्स। बिकॉज खेत में इट्स नॉट लाइक कि अपन को कार सिर्फ रिवर्स करने के लिए रिवर्स गियर चाहिए, खेत में अपन को बहुत सी बार रिवर्स में ही बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। सो फॉर रिवर्स ऑल्सो यू हैव 4 गियर। तो इसको अगर आपने जैसे ये अपन ने हाई पे लगाया, सो यू हैव 4 गियर्स फ्रॉम हियर, 1, 2, 3, 4 एंड न्यूट्रल। अब इसी को अगर मैं लो पे लगा दूं, अगेन यू हैव 4 गियर्स। सो आगे जाने के लिए आपके पास टोटल 8 गियर हो गए। अब अगर आप इसको रिवर्स पे डालते हैं लाइक दिस, सो अगेन यू हैव 4 गियर्स, इट्स लाइक दैट। तो अभी अपन चला के देखेंगे। एंड ये है पीटीओ का क्लच, जो कि पीछे की पीटीओ शाफ्ट को ऑपरेट करता है, जो कि ये है। तो इसके दो मोड्स हैं आप जिसको ऑपरेट कर सकते हैं। दो मोड्स क्या हैं? 540 RPM न्यूट्रल और 750 RPM, जो कि यहाँ से ऑपरेट होता है। अभी ये आगे होगा तो 540 RPM, सेंटर में न्यूट्रल एंड दिस इज 750 RPM। तो इसको उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जब आप पीछे कोई चीज़ लगाते हैं, जैसे कि रोटावेटर या पानी का पंप, तो उन सब चीज़ों को चलाने के लिए उसके हिसाब से आरपीएम देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ऑल्सो जो इसमें शटल शिफ्ट है, दैट मीन्स
बहुत सारे ट्रैक्टर्स में आपका गियरिंग सिस्टम यहाँ रहता है, बट इसमें साइड में दिया गया है, सो दैट इज शटल शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपन, वो सबसे पहले वो दिखा दें, इधर से न्यूट्रल 540, यहाँ से सो इट्स रियली लाउड, तो शायद आप लोगों को सुनाई नहीं दिया हो। फर्स्ट वाला था 540 RPM और सेकंड वाला था 750 RPM। तो उसकी वो स्पीड है पीछे की, जो आप लोग ने वो रॉड देखी वो इतने स्पीड में घूमती है, एंड जो पीछे चीज़ें लगाई जाती हैं इट्स फॉर दैट। ऑल्सो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा वो पीछे की चीज़ उठाते कैसे हैं और उसको ऊपर नीचे कैसे करते हैं, जब कुछ अपन को डिक करना है तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो होता है यहाँ से ऑपरेट। अब आप पीछे देखिए, इसको अगर मैं करूँगा ऊपर नीचे, सो इस वाले लीवर से आपका रियर की लिफ्ट ऑपरेट होती है, उसको आपको कितना ऊपर नीचे करना है फ्रॉम दिस वन। एंड जब आप कल्टीवेटर लगाते हैं, प्लाव लगाते हैं पीछे, उसकी डिगिंग कितनी करनी है, उसको कितना अंदर करना है कितना बाहर करना है, वो एक लेवल रहता है, उसको ऑपरेट करने के लिए ये वाला लीवर है। सो नाउ आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में अच्छी जानकारी हो गई। ऑल्सो इसमें आपको सस्पेंशन नहीं मिलता, अभी हम लोग जब यहाँ आ रहे थे मैं बता सकता हूँ बैठना इसमें आसान नहीं है। द ओनली कम्फर्ट यू गेट इज अंडर दिस सीट, इसके नीचे थोड़ा सा हाइड्रोलिकली थोड़ा सा दिया गया है, उसकी वजह से आप ड्राइवर बस को बहुत ज़्यादा झटका ही लगेगा, जैसे अभी भाई बैठा है साइड में तो हिल हिल के भाई की हालत ख़राब हो जाएगी। ऑल्सो यू गेट मिरर्स, बिग मिरर्स, ताकि आपको पीछे का पूरा दिखे, यू गेट लाइट्स अप हियर, ये अपन ने बाद में लगवाई ना, ये बाद में लगवाई हैं। अगर ये नॉर्थ साइड का ट्रैक्टर होता तो यहाँ पे बूम बॉक्स और वो सब भी लगा होता, बट यहाँ नहीं है। एंड अब मैं आपको एक कहानी बता दूँ अपनी, मैंने ड्राइविंग ट्रैक्टर पे सीखी थी, मैंने सबसे पहले ना कार चलाई ना कुछ चलाया, मैं सबसे पहले ट्रैक्टर चलाया था। हम लोग के यहाँ नया ट्रैक्टर आया था एंड मेरे दादाजी ने कहा कि इसको चलवाओ, पापा ने कहा नहीं इसको नहीं आता कुछ चलाते, मतलब कार भी चलाते नहीं आता, ट्रैक्टर कैसे चलाएगा, दैट टू वे ट्रॉली। अगर आपको नहीं पता है, ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर को रिवर्स करना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, बिकॉज उल्टा सीधा जाता है सब कुछ। मैंने सबसे पहले ट्रैक्टर चलाया फर्स्ट टेक में, सिर्फ पता किया हाँ क्या कहाँ पे है, बिकॉज बचपन से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, और उसका ट्रैक्टर चलाया। उसके बाद जब हम लोग वापस लौट रहे थे, जबलपुर आ रहा था मैं वापस, पापा ने कहा जिसने ट्रैक्टर चला लिया है इसको कार दे देते हैं। फर्स्ट टाइम हाईवे पे सीधे कार चलाई, ना उससे पहले प्रैक्टिस ना कभी बैठ के मैंने गियर चेंज किया है कार में, कुछ नहीं, सीधा 160 किलोमीटर चलाया था हाईवे पे सीधे कार। सो दैट इज़ हाउ आई लर्न ड्राइविंग, बिकॉज इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। यह है आपका फ्यूल कैप, यहाँ से आप फ्यूल डाल सकते हैं, और अब एक काम करते हैं इसको चला के देखते हैं। सीधा जान दूँ,
यार मजा आ गया ट्रैक्टर चला के। लाइक अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले पक्का से चला के देखना, इट्स सो मच फन। एंड या बहुत सारी मेमोरीज याद आ गई फर्स्ट टाइम जब चलाया था मैंने। एंड एक चीज़ है, बहुत से लोगों को लगता होगा ट्रैक्टर चलाना इज़ रियली डिफिकल्ट। वंस यू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स लाइक कहाँ से क्या है, बहुत ईजी है। लाइक इसका स्टेयरिंग भी आपको पावर स्टेयरिंग मिलता है, इतना ईजिली ऑपरेट कर सकते हो एक हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो मैंने अभी आपको दिखाया विदाउट थ्रॉटल इस गाड़ी में इतना टॉर्क है कि आपको बहुत सी बात तो थ्रॉटल भी नहीं देना पड़ता एंड जस्ट गोज। मैंने बताया था ना फार्म में मेन काम आता है टॉर्क। अगर स्पीड की बात की जाए तो फॉरवर्ड में इसकी मैक्स स्पीड है 31 किलोमीटर्स पर आ एंड रिवर्स में इसकी मैक्सिमम स्पीड है 13 किलोमीटर्स पर आ, जो कि खेतों के हिसाब से मोर देन एडिक्वेट है। कुबोटो, आप बहुत से लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, मैंने ही पहली बार सुना है, बट इट्स अ रियली गुड कंपनी। ये जापान की कंपनी है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक सवाल आता है, महिंद्रा का ट्रैक्टर क्यों नहीं लिया, और भी अपने यहाँ जॉन डियर के आते हैं, उन सब का लेके ना लेके ये वाला क्यों लिया? इसमें महिंद्रा में क्या है कि उसका जो ब्रेकिंग है वो सही नहीं है, इसमें ऑयल लिमस डिस्क ब्रेक है, जो तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक रहते हैं, तो वो ज़्यादा पकड़ अच्छी बनाते हैं ब्रेकों में। और जो और इसका क्या बोलते हैं एवरेज भी ज़्यादा है। कितना है इसका? साढ़े छः लीटर से 5 लीटर तक है। 6.5 से 6.525 किलोमीटर्स पर लीटर ना, तो या दोज आर द रीजंस। कितने का पड़ा अपन को ये ट्रैक्टर? 10.5 लाख का। 10.5 का, अगर यही महिंद्रा में जाते तो? महिंद्रा सस्ता है, इतना ही है, लेकिन फीचर्स कम है उसमें। जैसे इसमें डुअल क्लच है, पीटीओ के लिए अलग है, और ट्रैक्टर को चलाने के लिए अलग है, उसमें ये चीज़ नहीं है। उसमें एक ही वो है लीवर बस RPM का, और उससे डायरेक्ट उससे चलता है वो रेस से। अच्छा, डायरेक्ट रेस से चलता है, जैसे अपन यहाँ से डायरेक्ट सेटिंग कर पा रहे थे ना RPM की, वो अपन को यहाँ रेस से सेट करना पड़ता। तो दोज वर द रीजंस, दैट इज व्हाई ही वेंट विद दिस। वन मोर फंक्शन जो भाई मेरे को बता रहा है क्या है वो? इसमें क्या है कि जैसे ये अपन ने निकाला, जैसे कल्टीवेटर या कुछ फंसाना रहता है तो अपन को एक लड़का अलग से चाहिए रहता है जो उसके छेदों में लाता है पास। तो इसमें क्या है कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे फंसती है इन छेदों में, ये एक इधर पे और एक ये एक इधर पे, तो ये डायरेक्ट अपन उठा के उसके पास ला सकते हैं। और ये जो पिने रहती हैं इसको अपन डायरेक्ट ऐसे यहाँ से डाल के ये लगा सकते हैं। तो ये आसान चीज़ है इसमें कि ज़्यादा ड्राइवर को दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी इसमें। ओके, तो एक तरह से आपकी लेबर बच जाती है। हाँ, लेबर बच जाती है, ज़्यादा लोग नहीं लगते चीज़ें लगाने के लिए। अब भाई अपन को एक ही जगह खड़े खड़े पूरा ट्रैक्टर मोड़ के दिखाएगा, एक ही जगह पे, जो मैंने आपको ब्रेकिंग का बताया था ना उसकी वजह से। तो आज समझ में आया सस्पेंशन की अहमियत इस गाड़ी में नहीं है। सो जब आप चलते हो ना फार्म में तो बहुत सही चलती है, मतलब वहाँ पे उतना दिक्कत नहीं होती, बट जब रोड पे आते हो आप इतने ज़्यादा धचके लगते हैं इस रोड से, यहाँ लग लग के हालत ख़राब हो गई। बट इट्स ग्रेट टू सी सच यंग फार्मर्स डूइंग अ ग्रेट जॉब, डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, डूइंग इट द राइट वे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो how was the tractor? See you on next video. Bye.